खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। राहुल गांधी ने कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन उसका ग्राहक पाकिस्तान बन गया। आप बखूबी जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की जल्दी हो जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा है कि अब पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान की टिप्पणी ये सामने आई है कि 370 की बहाली होगी, जिससे कि एनसी की तरफ से ये चुनावों के दौरान घोषणा की गई थी, इसी का समर्थन करते हुए पाकिस्तान नजर आया है। अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतना प्रेम क्यों है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी का 370 वाला राग जारी है। कांग्रेस के साथ साथ एनसी घाटी में 370 की बहाली की बात कह रही है और अब उसमें पाकिस्तान ने भी एंट्री ली है। पाकिस्तान को आने में देर जरूर लग गई, लेकिन जब आया तो बहुत तीखा आया। 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। एनसी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर कश्मीर में 370 की बहाली की बात लिखी गई है। कांग्रेस इसकी साझेदार है, भले राहुल ने इस पर अभी तक कुछ न बोला हो, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद 370 35 से और एनसी के घोषणा का टेप जोर जोर से बज रहा है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहां पे, कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कुलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। साफ है कि जो भाषा इंडी के कुछ नेता बोलते हैं वही पाकिस्तान की जुबान पर है, इसीलिए तो मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर इनके एजेंडे की पोल खोल दी और ताल ठोक दी। किसी में दम नहीं कि पाक की हसरत को पूरा कर सके। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकते। मोदी के रहते हुए तो किसी की ताकत नहीं कि घाटी की फिजा बिगाड़ सके, लेकिन राहुल और अब्दुल्ला की जो ख्वाहिश है वही दुआ पाकिस्तान में भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का पर्व चल रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई तो पाक और उसके चाहने वाले परेशान हैं। जिन लोगों के जुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं जाता था, अब वो भी लोकतंत्र की ताकत के आगे बेबस दिखे, और बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पर टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। बात ये कि पाकिस्तान के मंत्री जो है, पाकिस्तान के जो नेता है, वो अपने पाकिस्तान की बात करें, भारत की क्यों करते हैं? समझ से परे है कि जिस देश में रहते हैं, जहां खाते हैं, वहीं के खिलाफ कांग्रेस और उसके साथी कैसे भूल जाते हैं कि जिस भारत में वो रहते हैं उसकी कमान मोदी के हाथ में है, जिसने एक बार प्रण ले लिया 370 वापस हो गया तो अब लौटने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बोल कांग्रेसी की है लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। साल 2015 की जानकारी आपको दे देते हैं। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस पार्टी के नेता, कहा था कि भारत पाक में दोस्ती चाहिए तो मोदी को हटाना होगा। ये देखिए टिप्पणी की गई थी, और पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करते आया है। पी चिदम्बरम की बात करें, साल 2016 में कहा था सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी होना चाहिए, अपनी सेना पर भरोसा ही नहीं था। साल 2022 की बात करें, दिग्विजय सिंह नेता कांग्रेस क्या कह रहे थे वो आपको बताते, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए, ये भी सबूत मांग रहे थे। मणिशंकर अय्यर नेता कांग्रेस, साल 2024 में हाल फिलहाल में देखिए अगर बात करें क्या कहा, पाक को इज्जत भारत को देनी चाहिए और उसके पास परमाणु बम है। इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। और अब आप
देख रहे हैं कि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी कश्मीर में, पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी को। क्या कांग्रेस की मुसीबत राहुल है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे और वहां से उन्होंने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, इसे लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब देश भर के कई थानों में राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है और इसी के साथ लोग राहुल गांधी के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका में बयान, देश भर में विरोध। अमेरिका में राहुल का पूर्वाग्रह, राहुल के खिलाफ बीजेपी का सत्याग्रह। राहुल गांधी जो कुछ ऐसे बयानवीरों की श्रेणी में आते हैं जिनके बयान सामने आने के ठीक बाद विरोध होना शुरू हो जाता है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन राहुल का यह बयान इस बार देश से नहीं बल्कि सात समंदर पार से आया, जिसके बाद राहुल के इस बयान पर देश भर में विरोध के सुर सुनाई देने लगे और राहुल के इस बयान के बाद फ्रंट फुट पर टिके रहने का दम भरने वाली कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर चली गई। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी की हाल ही की अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत पंजाबी बाग, तिलक नगर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसके अलावा एक शिकायत बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज कराई है। दरअसल राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया उससे देश भर में गुस्सा है। सिर्फ यही नहीं, हम आपको राहुल गांधी की वो पांच गलतियां भी बताते हैं जो उन्होंने अमेरिका में की, जिसके बाद से राहुल गांधी का देश भर में विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने सबसे पहली गलती की जब उन्होंने चीन के उत्पादन क्षेत्र की तारीफ की और कहा कि भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं है। राहुल ने दूसरी गलती सिख भाइयों के देश में पगड़ी पहने जाने को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राहुल ने तीसरी गलती समान अवसर पर मिलने पर आरक्षण को खत्म कर देने की बात कहकर की। राहुल ने चौथी गलती भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर की और राहुल ने पांचवी गलती जब उन्होंने उस सांसद से मिलकर मुस्कुराकर सात फोटो खिंचवाई जो हमेशा खालिस्तान और कश्मीर को अलग कर देने वाली आवाज के समर्थन में खड़ी नजर आती है। ये राहुल की वो पांच गलतियां हैं जिन गलतियों के बाद विरोध स्वाभाविक है और हो भी रहा है। चलिए एक गलती माफ, दो माफ, तीन माफ, लेकिन गलतियों पर गलतियां आखिर देश कब तक सुनता? क्योंकि ये द्वापर की महाभारत नहीं जब अपने और अपने देश के आत्मसम्मान की खातिर कोई 100 गलतियों का इंतजार करे, लेकिन राहुल इन गलतियों को गलतियां ही मानते हैं। यह सियासत के मैदान में देश को विदेशी धरती पर अपमानित करना राहुल की कोई सियासी पैतरेबाजी है जिसके सहारे वो बस सुर्खियों में बने और टिके रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लॉकडाउन में हुए सीरियल धमाकों के बाद सभी उड़ानों में पेजर वॉकी टॉकी ले जाने पर लगी रोक, प्रशासन का निर्देश, उपकरण पाए जाने पर उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। लेबनान में पेजर में हुए धमाकों को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज अहम बैठक बुलाई है। दोपहर को बुलाया गया है ये आपातकालीन सत्र। लेबनान हमले के बाद अमेरिका ने दी मध्यस्थता की राय, प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दोनों के बीच तनाव कम करना और राजनयिक समाधान करना चाहते हैं।
दक्षिणी लेबनान में कई बस्तियों पर इसराइल ने बमबारी की है। बमबारी के जरिए हिजबुल्ला चीफ के भाषण का भी जवाब दिया है। IDF का बयान आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हथियारों के गोदाम को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। लेबनान धमाके के बाद हिजबुल्ला चीफ ने धमकी दी है और कहा है कि इसराइल ने एक बार फिर से तबाही को दावत दे दी है। ये धमाके युद्ध का ऐलान है। और यूरोप की दनूबे नदी में बाढ़ आने से हंगरी में हालात बद से बदतर हो गए। राजधानी बुडापेस्ट का बड़ा हिस्सा डूब गया। बुडापेस्ट में एक दशक बाद प्रलय आई। मध्य पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। अमेरिका में गन कल्चर ने ली जज की जान। पुलिस अधिकारी ने ही जज को उन्हीं के चैंबर में गोली मार दी। केंटकी के लेचकोट हाउस की घटना बताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। नीदरलैंड के रोटरडैम में भी भीड़ पर शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए कई लोगों पर वार किए गए और हमले में एक की मौत जबकि कई लोग घायल हैं।